हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरु नीति के आज अपने केमिस्ट्री के 17th एपिसोड में। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ है मैं अनुमान जागेट। करें सर स्टार्ट। बिल्कुल सर। तो अपन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन वन की बात करते हैं। क्वेश्चन वन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैव मिनिमम वेवलेंथ। यहाँ से अपन को बेटा मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो मिनिमम वेवलेंथ बोलूं या मैक्सिमम एनर्जी बोलूं, सर दोनों बात सेम ही होगी क्योंकि एनर्जी और अपने पास वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से अपन यदि बेटा बात करें तो अपन ने यदि हाइड्रोजन के एटम के अकॉर्डिंग बात करें तो अपन को पता है एनर्जी गैप जो होता है वो फर्स्ट के लिए सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। क्योंकि अपन यदि इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखें तो हम यहाँ पे एनर्जी गैप्स देखते चले। तो एनर्जी गैप के लिए बात करें, ये होता है अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है सर। ये होता है अपने पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंगली आगे जितने भी देखेंगे तो वो कम होते चले जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो अपन ये बात करें कि फर्स्ट सेकंड का सबसे ज्यादा है, और अपन अब यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी यदि फर्स्ट में आएगा तो सबसे ज्यादा गैप होगा। बिल्कुल। और एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा तो अपने पास वेवलेंथ मिनिमम होगी। बिल्कुल। तो वन में कहां कहां आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो वन में अपने पास इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है 4 से 1 में। तो ये यदि मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलती जाएंगे ऐसे, तो यहां पे आ रहा है 4 से 1 में, इसमें आ रहा है 2 से 1 में, सॉरी यहाँ पे, और एक में आ रहा है 3 से 1 में। तो सर सबसे ज्यादा इसके लिए होना चाहिए एनर्जी गैप, सबसे ज्यादा इसके एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है तो मतलब वेवलेंथ मिनिमम होगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब सर अपना इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एनर्जी जो होती है वो ये होती है एच न्यू के बराबर होता है या फिर होता है एच सी बाई लैम्डा के, तो अपन को ऐसा बोले कि एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। बिल्कुल। या फिर अपन को ऐसा बोले कि न्यू मैक्स चाहिए और लैम्डा मिनिमम चाहिए, या लैम्डा मिनिमम चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी कंडीशन ये है कि n1 की जो वैल्यू होनी चाहिए जहां पे गिरने वाला है उसकी वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। बिल्कुल। ये हो, और n2 जो हो वो मैक्स टू मैक्स हो, मैक्स टू मैक्स, ये ध्यान रखना है अपन को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो n1 की वैल्यू मिनिमम जहां पे गिरने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग तीन ऑप्शन करेक्ट हुए, n2 मैक्सिमम होना चाहिए तो ये होना चाहिए। सिमिलर वे में अगर आप ऐसा बोलो कि एनर्जी मिनिमम चाहिए या फिर न्यू मिनिमम चाहिए या फिर लैम्डा मैक्स चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना n1 की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। बिल्कुल। और n2 की वैल्यू जो हो वो n1 प्लस 1 ही हो, जस्ट एक आगे वाली ऊपर से ही गिरे, तो जस्ट ऊपर से गिरेगा तो एनर्जी गैप जो आएगा वो मिनिमम मिनिमम आ जाएगा। जैसे इधर भी देखिए एनर्जी गैप मिनिमम हो जाएगा तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर ये ऑप्शन नहीं होना n2 is equal to n1 plus 1 तो आपको ध्यान रखना n1 plus 2 हो जाना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी कंडीशन ये रहेगी n1 की वैल्यू मैक्सिमम हो और n2 की वैल्यू n1 plus 1 के बराबर हो। तो इससे सारे क्वेश्चन जो होंगे कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें आपको एनर्जी गैप चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप ये दो कॉन्सेप्ट लगाओ, n1 की वैल्यू पहले इसको चेक करें, हमारे बात n1 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और इधर n1 की वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, सीधा आप चेक कर लोगे। ठीक। चलो सर आगे चले। चले सर आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। तो सर ये अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात कर रहा है। बिल्कुल सर। और अपन को टोटल मिला के ये बोल रहा है कि जो अपना वेव नंबर है, थोड़ा सा अपन इसको बात कर लें तो अपना फॉर्मूला होता है न्यू बार, न्यू जिसे वेव नंबर बोलते हैं, 1/λ इज इक्वल टू R^2 1/N1² - 1/N2², इसकी बात कर रहे हैं सर। सही। तो अपना वेव नंबर आज ये बोल रहा है क्या होगा, 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट के, तो 8/9 आर हो जाएगा न्यू बार, 8/9 है आर आ जाए न्यू बार। तो सर अपन यहां से ये बोल रहे हैं ये 8/9 आर होना चाहिए, इसको R^2 इसके बराबर करो, तो इसके इक्वल सर अपन ये करते हैं R^2, हाइड्रोजन है तो एक ही होगा, z की वैल्यू 1 होगी, तो सर इसको 1 कर लेंगे। हाँ। अपन तो यहां से ये यदि अपन देख लें सर, तो ये 1 हो गई। उसके बाद सर अपन बात करें N^1² - N^2², अब यदि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं और अपन को एक स्पेक्ट्रम ही रेखा बोली है सर, तो अपन यहां से ये बोल सकते हैं कि 1 में आ रहा होगा। बिल्कुल। और अपन को n2 के लिए देखना है कि कहां से अपन को ये 8/9 के इक्वल मिलता चले, तो सर अपन इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि लॉजिकल यदि अपन, बिल्कुल ऑप्शन से ही देखना सर। तो सर ऑप्शन से अपन देखें तो सर पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लें यदि अपन, तो 1/1 - 1/9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे
तो सर जैसे ये करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास? 8 by 9 बच जाएगा, 8 upon 9 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही है सर, करेक्ट हो जाएगा ये। तो 8 upon 9 आएगा और यही अपन से पूछा था, 8 by 9 आ रही लेके आना है अपन को। बिल्कुल, तो 8 upon 9 आ, इसी ट्रांजेक्शन से सर अपना आएगा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मुले बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको न्यू बार दे रखा था, न्यू बार की वैल्यू पुट करोगे सामने, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर की वैल्यू रखते हो तो सीधा आपको ट्रांजेक्शन मालूम चल जाएगा। सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन लेके एन 1 एन 2 की जो वैल्यू ऑप्शन पुट करके जैसे सर ने किया है वैसे आपको करना है। थोड़ा सा आपको लॉजिकली देखना है, 8 अपॉन 9 आर के इक्वल है तो यहां पे आर जेड स्क्वायर आएगा। बिल्कुल, थोड़ा देख लेना। चलिए सर आगे। हां सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी अपन ने क्वेश्चन वन में देखा भी था डायग्राम से। देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। अपन से ये पूछा है एच ई परमाणु की द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा पूछा है। जैसे अगर अपन बात करें तो मेरे को ये आइडिया है कि ये बोर एटॉमिक मॉडल जो लगता है वो ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगता है। बिल्कुल, तो अभी तो इसके लिए तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब इसने पूछा है कि ये HE अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बन जाएगा HE+। यहाँ पे जो एनर्जी आएगी सर वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात, ये तो अपन से पूछा नहीं। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो HE+ लिया, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देता तो ये बन जाएगा HE+2 बन जाएगा। तो सर यहाँ पे बोर मॉडल अप्लाई, यहाँ पे बोर मॉडल अप्लाई हो जाएगा, ये एनर्जी अपन से पूछ रहा है और ये होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अपन से पूछ रहा है। तो यहाँ तो बोर मॉडल एप्लीकेबल है, इस HE को देख के अपन को नहीं बोलना है कि बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल ठीक है सर। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, अगर हाइड्रोजन की 13.6 दे रखी है तो एनर्जी जो होती है EN वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है n स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। सर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा सर। EN बराबर जेड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा। तो अब मेरे से पूछा है हाइड्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 है, तो इसका एन तो छोड़ो, एक में से रिमूव करना है। तो अगर इसका 13.6 है और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, मींस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हाइड्रोजन का तो जेड था 1, इसका है 2 और 2 का कर दिया मैंने स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो आएगी वो आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन। सर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब यदि अपन को और किसी एलिमेंट के लिए बात करनी है तो उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर हाइड्रोजन की 13.6 ही कंसीडर हुई है, कंसीडर हुई है। बिल्कुल, चलें सर आगे। बिल्कुल सर, आंसर सेकंड हो जाएगा इसका भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे सर लोएस्ट एनर्जी पूछी है, जैसा आपने डिस्कस किया था, लोएस्ट एनर्जी आ गया। लोएस्ट एनर्जी मतलब लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, और लैम्डा मैक्सिमम चाहिए लाइमन सीरीज के लिए। मुझे पता है N1 1 हो जाएगा फिक्स है। बिल्कुल सर, लाइमन के लिए N1 1 हो जाएगा। अब N1 1 है और अपन को N2 निकालना है, तो सर N2 के लिए अपन क्या कर लेंगे? जस्ट आपने बोला था, जस्ट आगे वाला अपन चेक कर लेते हैं, तो वो लोएस्ट एनर्जी गैप होगा, लोएस्ट एनर्जी गैप होगा। तो सर N2 कितना ले रहे अपन यहां से? N2 लेना पड़ेगा, फिर सर 2 लेना पड़ेगा, N1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग अपन ने बात कर ली, 2 आ जाएगा। अब सर अपन को वही सॉल्व करना है जैसे अभी तक अपन सॉल्व करते आए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बात कर ले और E is equal to SC upon lambda को अप्लाई कर ले। तो अपन ने सर यहां पे ये बोला 1 upon lambda हो जाएगा R Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। सही बात है सर। हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, तो यहां पे सर 1 upon 1 माइनस 1 अपॉन 4 आएगा, तो यहां से सर 3 अपॉन 4 आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा। हमको पता है E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा होता है, 1 बाय लैम्डा की वैल्यू, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू पता लग गई, तो SC 3 अपॉन 4 आ रहा जाएगा। बिल्कुल सर, तो सर वो इसका हो जाएगा 3 अपॉन 4 RHC, थर्ड ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा, सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी। चले सर आगे। बिल्कुल सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 6.62 × 10⁻²⁰ ग्राम इज 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, और ये साथ में मिलीमीटर में पूछी है सर। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है सर। बिल्कुल, इसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई माइक्रो पार्टिकल हो, बहुत छोटा पार्टिकल हो, तो उसके लिए एट ए टाइम जो है पोजीशन और वेलोसिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एक को कम करते हैं तो दूसरा, तो दूसरे में अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी, और अनसर्टेनिटी जो होती है वो ये होती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या अपन
यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एच अपॉन फोर पाई एम हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, या आप ऐसा बोलो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बोलो फिर तुम मोमेंटम की बात करते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के लिए लगेगा, ये उन सभी वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके लिए अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए यूनिट का सर तो वो जूल इंटू सेकंड आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, जिनके लिए जूल इंटू सेकंड आएगा उन सबके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर अपन बात करें एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है और टाइम में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी है तो इसके लिए भी एच अपॉन फोर पाई आएगा। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज तो ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए सर। ठीक है, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी ये एच अपॉन फोर पाई के इक्वल आएगा। अब अपन को डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के बारे में है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा सर। तो सर ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊं, डेल्टा एक्स मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं एच अपॉन फोर पाई मास आ जाएगा और साथ में डेल्टा वी आ जाएगा सर, यही आएगा। बिल्कुल, यहां से यदि मैं वैल्यूज को पुट करूं तो एच अपन ले 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 एमकेएस में ले लेते हैं सर, एमकेएस में लेना पड़ेगा, पाई को पाई रख लेते हैं क्योंकि पाई के अकॉर्डिंग पाई के टर्म्स में m अपन को मास दिया है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 किलोग्राम, 25 लेना पड़ेगा क्योंकि किलोग्राम में ले रहा है तो अपन ने एमकेएस में कर लिया। डेल्टा भी अपन को सर दिया है ऑलरेडी एमकेएस में 10 टू पावर माइनस 6, तो ये डेल्टा एक्स जो आएगा फिर मीटर में आएगा सर। सर डेल्टा एक्स मीटर में तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सर यहां से अपन ये देखें 10 टू पावर माइनस 3 बन गया और नीचे 4 पाई सर मिलीमीटर में पूछा तो इसको हटा दो मिलीमीटर हो जाएगा, तो सर ये तो आ रहा था मीटर में और अब यदि मैं ये बोलूं 1 अपॉन 4 पाई ये सर अपना हो जाएगा मिलीमीटर में। बिल्कुल सर, ये आंसर बन गया 4। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हुआ, इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल फार्मूला बेस्ड बनते हैं, आपको बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक हुई तो दिक्कत है। और एक ये याद रखें यदि अपन को न्यूमेरिकल पाई नहीं दे रखा तो एच अपॉन फोर पाई की वैल्यू डायरेक्ट याद रखें जिससे क्या अपने पास वहां पे ज्यादा टाइम लगे। बिल्कुल सर, चले सर आगे चले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मैच द फॉलोइंग कॉलम MBR is equal to NH upon 2 pi, तो सर ये तो अपन को पता है Bohr's equation है। ये Bohr का second assumption है कि electron only for उन्हीं orbitals में revolve करता है या उन्हीं orbit में revolve करता है जिसमें उसका angular momentum जो होना चाहिए वो H upon 2 pi का integer integer multiple। बिल्कुल सर, तो ये Bohr equation का मतलब second point था वहाँ पे assumption का, तो ये का fifth हो जाएगा। फिर बोल रहा है infrared, तो सर ये पाशन सीरीज के लिए होता है जब अपन ये रीजन पूछ रहा है कि हाँ। कौन सा इंफ्रारेड रीजन में आएगा सर, ये रीजन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बन जाता है। बिल्कुल, जैसे लाइनमैन सीरीज जो है हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करें तो अल्ट्रावायलेट में आएगी, बामर सीरीज जो है वो विजिबल में आएगी और बाकी सारी जो है वो इंफ्रारेड में आएगी, तो इंफ्रारेड में पाशन सीरीज आएगी। बिल्कुल, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है सर। इस डी ब्रोगली इक्वेशन को देखो आप, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी होता है और एच अपॉन एम वी भी, एच अपॉन एम वी भी होता है और पी को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो रूट में 2m काइनेटिक हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। ई को अगर काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एच अपॉन रूट 2m क्यूब इनटू वी, ये वोल्टेज डिफरेंस है, ये वीडी वोल्टेज डिफरेंस है, याद रखिए वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एच कांस्टेंट है, एम किसी पार्टिकल का मास फिक्स होगा, कोई पार्टिकल लिया मैंने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका क्यू फिक्स होगा, ओनली फॉर वोल्टेज का डिफरेंस आएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूट के अंदर 150 अपॉन वी, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तो 12.29 रूट वी ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट है, आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मिलेगा और ये आता नहीं है, चाहे फिजिक्स में बात करो चाहे केमिस्ट्री में बात करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ठीक है, जब भी अपन को इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने वोल्टेज से कर रहा है तो अपन को डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। फिर अपन को बोल रहा है बेटा एस सही इज इक्वल टू ई सही, अपन को पता है तो सर इन्हीं से अपना आंसर तो वैसे ही बन रहा है जितना टोटल सर। ये ई वाला आप ए का मैच किया आपने फिफ्थ, ठीक है, बी का मैच किया है आपने फर्स्ट, ठीक है, बनेगा तो ये सी का आपने मैच किया है टू, डी का आपने मैच किया है सेकंड हो जाएगा सर टोटल माइनस ई स्क्वायर अपॉन टू आर और ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो सर अपना इसका सिक्स्थ का सेकंड ऑप्शन सर करेक्ट होना चाहिए, इसमें अलग अलग लॉस को इसने एक्सप्लेन कर रखा। तो बेटा अपना इसका सर क्वेश्चन सिक्स का यदि अपन बात करें तो इसका अपना सेकंड ऑप्शन सर करेक्ट हो गया। बिल्कुल, चले सर आगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी थी, बट इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लो,
हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी होती है सर, बिल्कुल हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अपने पास वो होती है माइनस का के क्यू वन क्यू टू बाई आर, टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाएगी, तो माइनस में के, ठीक है के यहाँ पे सीजीएस यूनिट में चलाया तो क्यू वन क्यू टू ये के ई आया जेड ई भी आया आर आया तो उसके अकॉर्डिंग ये बना माइनस का ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना सर, हाइड्रोजन के लिए बात हुई और के सीजीएस में वन लेके चले गए। चले सर आगे, चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम इज 100 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो सर अपन को यहां से एक तो ये रिलेशन मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 100 भी है, बिल्कुल, फिर बोल रहा है देन इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ इट्स मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, तो सर यदि डी ब्रोगली को यदि मैं थोड़ा सा ध्यान करूं तो मेरे को ये पता लगता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, सर आज लैम्डा की जगह मैं 100 वी पुट कर देता हूं तो सर अपने पास ये आएगा 100 वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी आ गया सर, तो यहां से सर यदि वी की बात करें या आप डायरेक्ट सर v की जगह लैम्डा बाय 100 रख देते तो लैम्डा ही कैलकुलेट, क्योंकि लैम्डा ही कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है तो सर अपन इसकी जगह ये देख लेते हैं, अगर सर इसकी जगह मैं ऐसा पुट कर दूं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, v की जगह मैं पुट कर देता हूं लैम्डा बाय 100, बिल्कुल सर ये लैम्डा बाय 100 मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 h अपॉन m, तो लैम्डा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 10 अपॉन में h अपॉन m आ जाएगा, तो सर इसका सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ और इनके ऊपर जैसे भी क्वेश्चन बनते रहा सर, मेरे को लगता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सारे, आपको बस बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो बोल रहा है वैसा करते जाओ उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, बिल्कुल सर, और सर इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है आते भी है। चले सर आगे, चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है इन एफ ऑर्बिटल, तो सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब पूछता है तो इसका जो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाते हैं h अपॉन 2π, 2π और f के लिए मुझे पता है जो l होता है, l जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना, अगर अपन ये बात करें कि इधर ले अपन अगर आप सबसे l और इधर अपन ले उनके लिए l की वैल्यू, तो s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, b के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3, तो अपने लिए f के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 3, तो सर यहां पे अपन बात करें 3 × 3 + 1 और h अपॉन 2π आ जाएगा सर अपने पास डायरेक्ट, तो सर यहां से अपन ये बोल देंगे √12 हो जाएगा, बिल्कुल, तो सर इसको √12 को 2√3 लिख दूं, बिल्कुल h अपॉन 2π उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, उसे 2 जाएगा सर, तो √3 h अपॉन π आ जाएगा सर, सिंपल मतलब थर्ड आंसर हो जाएगा, तो सर इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कई बार इसमें s के लिए पूछ लेता है तो s के लिए 0 आएगा, सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि l जो आएगा वो 0 हो जाएगा। चले सर आगे, बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, तो सर ये साई स्क्वायर जो होता है वो पॉसिबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहा है कि 0 हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे 0 होती है उसको नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, और जहां पे मैक्सिमम होती है साई स्क्वायर की वैल्यू उसे अपन बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है सर, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, साई स्क्वायर इक्वल टू 0 मींस नोड को रिप्रेजेंट, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर। चलिए सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, सर ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो अगर आपको एनर्जी चेक करनी है तो पहले तो ये चेक कर ले फर्स्ट केस में कि n प्लस l जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, बिल्कुल जिसके लिए n प्लस l मैक्सिमम होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये e max की बात कर रहे हैं, तो n प्लस l बाय चांस n प्लस l अगर सेम आ जाए कि नहीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l सेम है तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि n की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए, बिल्कुल उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, बस ये दो सिंपल से कांसेप्ट है इससे रिलेटेड है सर, इसका एग्जांपल अपन 3D और 4P मान सकते हैं, बिल्कुल सर दोनों के लिए n + l 5.12 इसमें भी मिल जाएगा सर, तो अब यहां पे देखिए अपन n + l की वैल्यू l वैसे निकाल लेंगे जो डायरेक्ट दे रखा है मैंने, n + l सर इसका हो गया 6 आ गया, इधर बन गया 4, इधर बन गया 7 और इधर बन गया 6, तो फिर से फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की सेम आ गई, ठीक है ना, तो मैक्सिमम तो थर्ड हो गया, मैक्सिमम तो आ गया आंसर, लेकिन इनका ऑर्डर पूछ लेता ये मैक्सिमम आ गया थर्ड, उसके बाद अगर अपन बात करें 1 और 4 की बराबर है
तो उस कंडीशन में जब n प्लस l सेम हो उस समय n मैक्सिमम होना चाहिए, तो उधर n 6 है इधर n 5 है, तो फिर 1 वाला आएगा बिल्कुल, उसके बाद 4 वाला आएगा और उसके बाद 2 वाला आएगा, 2 वाला आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका ऑर्डर भी पूछ लेता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल इज वायलेटेड इन दिस कॉन्फिगरेशन। तो अपन जब इलेक्ट्रॉन स्पिलिंग रूल देखते हैं तो उसमें ऑब्वो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और एनर्जी रूल एन प्लस एल रूल की बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर थोड़ा सा इन रूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वो के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं अपन तो वही एन प्लस एल के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर आयन में जाएगा। पहले लोअर एनर्जी सबसेल कंप्लीटली फिलअप होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जब वो कंप्लीटली फिलअप हो जाता है उसके बाद हायर एनर्जी सेल में जाएगा, हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो 4s पहले कंप्लीटली फिलअप हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, और उससे पहले ही 3d में चला गया। ये 4s की कैपेसिटी जो है वो सब 2 की है। बिल्कुल। 4s की कैपेसिटी जो है वो 2 की है। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिलअप हुए नहीं उससे पहले आपने 3d में भेज दिया हायर एनर्जी सब सेल में, इसका मतलब ऑफ बो प्रिंसिपल का आपने उल्लंघन किया, उल्लंघन किया। तो इसका सीधा सा आंसर थर्ड बन जाएगा। और सर हुंड रूल और पाउली को भी अपन बात कर लेते हैं साथ के साथ। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो ये बोलता है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी एटम में। सर इसी कारण अपन बोलते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी अपोजिट स्पिन के, अपोजिट स्पिन के। और हुंड्स रूल ये बोलता है कि अगर जब भी डीजनरेट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके फिलअप होगा और उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सर ये अपने पास रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग अपन ने बात की, तो इधर अपने पास सिंपल ऑफ प्रिंसिपल बेटा वायलेटेड हो रहा है। बिल्कुल। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करूं, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग जीरो नोडल प्लेन। सर नोडल प्लेन की बात कर रहा है, जीरो नोडल प्लेन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो जीरो। बिल्कुल सर। तो सर अपन को एक तो ये पता है नोडल प्लेन के लिए अपन ये भी बोल सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो तो एक तो स्मॉल एल एजिमुथल क्वांटम नंबर से भी अपन बता देते हैं। तो पहली बात तो अपन ये देख ले कि स्मॉल एल जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो एस सबशेल के लिए जीरो होता है। तो सर एक तो एस वाला आएगा, तो सर यहाँ से एक तो पता लग गया कि ऑप्शन तो सर अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सर। लेकिन सर डी के लिए अपन इसलिए सेलेक्ट किया है, डी के अपने पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसमें से जो 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, वो तो अपन बोलते हैं एक्सिस के बीच में आ रहे होते हैं। बिल्कुल सर। और जो 2 बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं वो एक्सिस पे आ रहे होते हैं। तो सर इसलिए अपन इसको dz स्क्वायर के लिए भी नोडल प्लेन जो मानते हैं वो कितना मान के चलते हैं सर, जीरो मान के चलते हैं। तो यहां से अपना सर ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट, इनमें नोडल प्लेन नहीं होंगे, कुल मिलाकर नोडल प्लेन नहीं होंगे, जीरो नोडल प्लेन है। चलें सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, अ ग्रीन बल्ब एंड अ रेड बल्ब आर एमिटिंग द रेडिएशन विद इक्वल पावर, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब पर सेकंड। तो पहले तो ये जो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय बल्ब पर सेकंड की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है सर। तो सर मैं ये बोल दूं E इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोटोन इनटू SC बाय लैम्डा, और पर सेकंड के लिए बात करूं तो सर सेकंड सेकंड का डिवाइड लगाऊं तो सर ये तो बन गया अपना पावर, ये बोल रहा है दोनों केस में सेम रहेगा, पावर सेम है, HC ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो होंगे सर वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सही बात है सर। अब लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, हमारे को कलर बता रखा है, एक ग्रीन कलर बोला है और एक रेड कलर बोला, तो विबग्योर से अपन सर इसकी लैम्डा देख लें। ये अगर विबग्योर अपन विजिबल के लिए चेक करें तो इधर जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, तो सर रेड की लैम्डा ज्यादा है, रेड की लैम्डा ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो होगा वो ज्यादा एमिट करेगा, रेड का ज्यादा आएगा। सर रेड का ज्यादा आएगा, ग्रीन का कम आएगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलें सर आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड एमिटिंग 2 फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली, इफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा देन वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 विल बी। सर इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी एमिट करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। और लैम्डा के लिए सर अपन यदि बात करें तो डायरेक्टली अपन ये रिलेशन बोल सकते हैं 1/ लैम्डा इज इक्वल टू 1/ लैम्डा 1 प्लस 1/ लैम्डा, आगे भी होता तो उसको ऐड करते हुए चले जाते। यहां से अपन को आज बताया लैम्डा 1 जो है अपना वो 4 लैम्डा है, ये अपन को बता रखा है।
तो सर इसको थोड़ा सा अपन यदि सॉल्व कर लें, क्योंकि अपन को वैल्यू लैम्डा 2 की देखनी है, लैम्डा 2 की कैलकुलेट करें। तो सर 1 अपॉन लैम्डा को यदि इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाएगा सर। बिल्कुल, इसको सर इनवर्स कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सही बात है सर। बिल्कुल, अब इसको सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो ये आएगा अपने पास लैम्डा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 2 वाली टर्म्स को एक जगह कर लेता हूं, तो लैम्डा लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 कॉमन लिया तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आ गया। तो यहां से सर अपन को लैम्डा 2 जो मिल रहा है वो मिल रहा है लैम्डा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस ये लैम्डा ही था सर। हाँ ठीक है सर, ऐसा ही था सर। तो सर यहां से यदि अपन बात करें तो लैम्डा 1 की वैल्यू अपन को दे रखी है 4 लैम्डा। 4 लैम्डा तो सर ऊपर बन गया 4 लैम्डा का स्क्वायर, 4 लैम्डा का स्क्वायर अपॉन नीचे बन गया 3 लैम्डा। तो सर लैम्डा से ये गया तो अपन को सर 4 अपॉन 3 लैम्डा आंसर मिला। तो सर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन सर इसका करेक्ट हो जाएगा। चले सर आगे। बिल्कुल, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भी है बेटा, जरूरी नहीं है दो ही फोटोन एमिट करें, ज्यादा करेगा तो उसके करस्पोंडिंग अपन आगे चलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ फॉलोइंग मेटल्स विद सेम काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी सेम कर रखी है, सेम कर रखी है। टुवर्ड्स विच मेटल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है सर कि कौन से मेटल के लिए जो है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच विल बी मिनिमम होगी। इसका मतलब ये, अगर आपने न्यूक्लियस रखा जिसपे आप अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करवा रहे हो और यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल को भेजना स्टार्ट किया, जो बॉम्बार्डिंग रदरफोर्ड स्टैटिक मॉडल से बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ आने के बाद वापस होगा वो रिपल्शन की वजह से वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल, ये जो डिस्टेंस होगी ना, इस वाली डिस्टेंस को अपन बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस बोलते हैं या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। बिल्कुल, ये बोला ये किसके लिए मिनिमम होगी, ये पूछ रहा है ये किसके लिए मिनिमम मिनिमम होगी। मेरे को इतनी बात समझ में आती है सर कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर अपन लगाए तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी डिस्टेंस है पर अपन भेज रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ओनली फॉर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे पहुंचता है उस कंडीशन में ये वापस टर्न बैकवर्ड हो जाता है, रिवर्ट बैक होता है। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, जीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, और बीच वाला कहीं पे भी पॉइंट देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चलेगी, क्योंकि कंजर्वेशन वाला जो लॉ है वो फॉलो होता है। तब आप काइनेटिक मतलब एनर्जी कंजर्वेशन करते, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहुंचते पहुंचते जीरो हो गई क्योंकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल वापस रिवर्ट बैक कर रहा है। बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे सर। आपको ये बोला है कि समान गति ऊर्जा के, तो अपन तो एक सिंपल सा ये लगाते हैं कि समान गति ऊर्जा है तो ये मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लगाया यहाँ पे गति ऊर्जा, या काइनेटिक एनर्जी भी रख सकता हूं। ये यहां पे पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के जेड क्यू1 क्यू2 क्यू2 बाय आर आर, ये ठीक है सर। अगर ये है तो ये काइनेटिक एनर्जी तो आपने सेम रखा, तो ये आर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है क्यू। ये किसका क्यू की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस की, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का क्यू तो कांस्टेंट है सर, ये क्यू1 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेडियस ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी न्यूक्लियस क्यू के, तो इसका मतलब अपन से ये पूछा जा रहा है कि क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। आप क्यू चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा, क्यू मतलब जो भी एटम के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए बात कर लेंगे, और क्यू जो होता है वो जेड इंटू ई होता है, जेड इंटू ई, तो बेसिकली जेड के प्रोपोर्शनल आ गया। बिल्कुल, तो अपन को निकटतम दूरी देखनी है, मतलब क्लोजेस्ट अपन को यदि डिस्टेंस देखनी है तो सर जेड क्लोज होना चाहिए, और जेड सर सबसे क्लोज आ रहा है अपने पास कैल्शियम के लिए 20 किलो, तो सर इसके लिए अपन बोल देंगे कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस को रखेगा। बिल्कुल, ये आर जैसे सर अपन ये कह रहे हैं कि आर इसके लिए जेड जो होगा वो 20 इसके लिए आ रहा है, अगर जैसे 79 रखा तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब यहां तक ही वो पहुंचेगा। बिल्कुल, 20 वाले में यहां तक पहुंचेगा तो मिनिमम डिस्टेंस तो यहां पे बन जाएगी। बिल्कुल सही, अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है तो वो इसके लिए आ जाएगा, डिस्टेंस एक्चुअली में अपन रिमेनिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अपन तो रिमेनिंग की बात, अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है वो बात नहीं कर रहे, अपन रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एट द रेट ऑफ 10^-7 जूल पर सेकंड
द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड पर सेकंड। सर ये अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में बात किया है, बिल्कुल एनर्जी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अपन पहले यदि बात करें E इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोटोन एस सी बाई लैम्डा, ये वन फोटोन की एनर्जी, और यदि अपन सेकंड का डिवाइड लगाए तो यहां से अपन को ये पता लग जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आएंगे अपने पास, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड वो क्या हो जाएंगे, E अपॉन सेकंड, ये जो अपने पास बात कर रहा है, इनटू लैम्डा अपॉन एस सी। सर यही हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहां से बेटा अपन यदि बात करें तो E अपॉन सेकंड, ये देखो जूल अपॉन सेकंड अपन को दिया है, लैम्डा अपन को बोला है 5000 आर्मस्ट्रांग, तो सर इसको अपन क्या बोल दें, 5 × 10⁻⁷ बोल दें। H और C की बात कर रहा है तो ये 6.6 × 10⁻³⁴ और ये 3 × 10⁸ हो जाएगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग अब अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लें, ये 10⁻¹² में बन जाएगा सर, यहाँ से 26 बच्चे की पावर नेगेटिव में ऊपर जाएगी तो प्लस की 26 − 12 बचा है तो 10⁻¹² होगी पावर, तो 26 हाँ 10⁻¹² होगी बिल्कुल। अब 10⁻¹² में ऑप्शन देखना है तो अपन के पास फर्स्ट या फोर में से जाएगा, बिल्कुल सही सर, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा होगा। इधर आप अप्रोक्सीमेट ये मान लो ये कैंसिल आउट हो गए तो 1/3 बचा, तो सर मेरे हिसाब से तो फर्स्ट आंसर आना चाहिए 10⁻¹² वाला, बिल्कुल सही। तो सर इसको अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व करके देख सकते हो, पूरा एक्यूरेट करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे रिलेटेड पूछ लेता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड वाला बात कर रहे हैं। चलिए सर आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इन द ब्रैकेट सीरीज। सर ब्रैकेट की बात कर रहा है और ब्रैकेट के लिए मुझे पता है N1 कितना होता है, फोर हो गया सर। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9th एक्साइटेड स्टेट। बेटा यहां पे गलती अपन क्या कर देते हैं, जल्दी-जल्दी में N2 को 9 बोल देते हैं, 9th एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब 10वीं स्टेट हो गई, इसका मतलब सर 10 हो गया, N2 10 हो गया। अब यहां पे अपन से टोटल नंबर ऑफ लाइन नहीं पूछी है, हमसे केवल ब्रैकेट की पूछी है, तो स्पेसिफिक सीरीज में लाइन पूछता है तो अपन N2 N1 से फार्मूला अप्लाई कर दें, तो सर यहां पे 10 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बेटा ये याद रखें यदि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछता तो अपन फॉर्मूला n × n-1/2 करते। तो सर इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, 6, इसका मतलब 4 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4th आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे, बिल्कुल सर। तो सिंपल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसमें आती भी बेटा ऐसी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x सेकंड, the time period of revolution in second orbit of helium plus ion is। बट टाइम पीरियड की अपन जो बात करते हैं ना, टाइम पीरियड को अपन कैपिटल टी से बोलते हैं, तो सर ये हो जाता है अपने पास 2πr/b, ये बोल सकते हैं सर अपन, यदि हाइड्रोजन एटम में या अपन किसी शेल में बात करें तो सर अपन इसको वही r को n²/z, v को z/n करें, तो सर ये सॉल्व करके n³/z² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब सर अपन दोनों के लिए कंडीशंस लगा लेते हैं, ऊपर तो अपन को बोला है टी लिथियम प्लस टू की बात कर रहा है और नीचे अपन से बात कर रहा है हीलियम प्लस की, तो सर यहां से अपन बात करें ऊपर आ जाएगा लिथियम के लिए, लिथियम की थर्ड शेल के लिए तो 3 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, और जेड लिथियम के लिए 3 होता है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अपन हीलियम की बात करें तो सेकंड बोल रहा है तो सेकंड का क्यूब आ जाएगा और ये सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो सर ये देखो इससे ये गया और इससे ये गया, तो सिंपल ये सर 3/2 आ रहा है। लिथियम के लिए अपन को x दे रखा है, लिथियम के लिए अपन को सर x दिया है, तो मैं सर t हीलियम प्लस का जो होगा अपने पास टाइम पीरियड 2/3x हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा सर, ये सिंपल आएगा सर अपने पास, तो सर इसका थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आगे इसमें, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सर नॉट पूछा है कि कौन सी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल सर। तो सर इसमें अपन क्या करें, फिर आपको ये चेक करना है कि कौन सा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मतलब फेवरेबल कंडीशन बतानी है। प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, उसका रीजन अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस जो होती है वो किसी मेटल की सरफेस पे आके चिपक जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, अधिशोषित होगी, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए पर्टिकुलर प्रेशर तक तो वो इंक्रीज होगी, उसके बाद जाके कॉन्स्टेंट हो जाएगी, उसे अपन सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। तो ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें ना, अगर नॉर्मली बोलूं तो प्रेशर के साथ ग्राफ ऐसा आता है, बिल्कुल ये ऐसा, पहले तो इंक्रीज होती है और फिर जाके ये सैचुरेटेड प्रेशर होता है, बिल्कुल। यहाँ पे x/m का प्रेशर के साथ अगर वेरिएशन देखे तो ग्राफ ऐसा आएगा, तो इसका मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। तो सर नॉट पूछा, नॉट फेवरेबल कंडीशन, तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल।
सेकंड नंबर अपन कहते हैं कि वो नेगेटिव डेल्टा एच होना चाहिए, ये तो मेरे हिसाब से भौतिक अधिशोषण हो चाहे कैसा भी एडजॉर्प्शन हो, हमेशा एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिकली डेल्टा एच नेगेटिव ही होता है, तो जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा उतना ही फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, गैस अधिशोषित उतनी ज्यादा होगी क्योंकि सरफेस एनर्जी रिलीज होती है हमेशा, ठीक है। थर्ड नंबर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अधिशोष्य का उच्च क्रांतिक ताप, यहाँ पे एडजॉर्बेंट जो एडजॉर्ब होने वाला है, मतलब अगर अपन गैस की बात करें, अगर एडजॉर्बेंट को अगर अपन गैस ले ले तो इसका मतलब नेचर ऑफ दी गैस के बारे में बात कर रहा है, वही गैस मैक्सिमम एडजॉर्ब होगी जिसकी लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा हो, लिक्विफिकेशन, ठीक है, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वंडरवॉल पैरामीटर ए एंड क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, तो ये भी फेवरेबल कंडीशन है, हाईर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब वो इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब आप बोल रहे हो कि नेगेटिव डेल्टा एच होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर कम होगा तभी फेवरेबल कंडीशन बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी, तो ये तो टेम्परेचर हाई बोल रहा है इसका मतलब ये गलत है, तो सर ये हाई टेम्परेचर वाला रॉन्ग हो गया अपना और रॉन्ग ही अपन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन मतलब एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम ऑफ मेटल पाउडर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट 180 एंड 273 केल्विन टेंपरेचर। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 3.6 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 1.2 ग्राम मेटल पर जो है वो बात कर रहा है ना, तो एब्जॉर्बेट हो रहा है, अपन से ये पूछा जा रहा है कि अधिशोषित ऑक्सीजन गैस का अधिशोषक के प्रति ग्राम पे, तो आप एक काम करो ना सर, पहले प्रति ग्राम पे कैलकुलेट कर लो, 1.2 ग्राम पे 3.6 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब 3 गुना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, तो 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा, तो सर सिंपल 3 आ जाएगा, 3 ग्राम आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हो गया ऑक्सीजन का 3 ग्राम। अब अपन से पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम अब PV इक्वल टू nRT अपन लगा सकते हैं, तो PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर दो, तो अपन को वॉल्यूम चाहिए, तो प्रेशर अपन को 1 atm दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है अपन सर लीटर में ले लेंगे, ठीक है, और ठीक है बाद में चेंज, लीटर में पूछा जा रहा है मोल, 3 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 3/30 32, क्योंकि O2 गैस के लिए बात कर रहा है, गैस है तो ठीक है। आर की वैल्यू सर अगर प्रेशर एटीएम में ले रहा हूं, वॉल्यूम लीटर में ला रहा हूं, 1/12 ले ले अगर एक बार के लिए, उसको चेंज कर लेंगे तो 1/12 आ जाएगा, 273 टेंपरेचर दे ही रखा है केल्विन में लेना, ये हो जाएगा 4, बिल्कुल ठीक है सर, तो ये वॉल्यूम V बराबर बनेगा 273 अपॉन 128, बिल्कुल सर, तो सर ये 2 point something बनने वाला है, ये तो बात क्लियर होगी, और 2 point something में एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है सर अपने पास, 2.1 आ रहा है जो लीटर में अपन वॉल्यूम की बात, तो ये लीटर आ गया और ये पर ग्राम ऑफ एड्सोर्बेंट पे आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से सर 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की, बिल्कुल, तो सर इसका मतलब अपना इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड आ जाएगा, 2.1 लीटर और पर ग्राम के लिए अपन ने बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स ए बी सी डी आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली, देन प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए बी सी डी। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पूछा जाता है, तो इसमें से डायरेक्ट अपन रिलेशन बता दें, गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, कम होगी, तो इनवर्स चल रहा है सर, बिल्कुल, एक एक्चुअल में अपन ऐसा बोले ना, चाहे गोल्ड नंबर हो चाहे कोगुलेशन नंबर हो या कोगुलेशन वैल्यू, तो ये वैल्यू जो होती है या नंबर जो होता है ना वो तो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपको प्रोटेक्ट कराने के लिए ज्यादा अमाउंट डालना पड़ रहा है इसका मतलब वो इफेक्टिव कहां है, इफेक्टिव कहां है, वो तो कम इफेक्टिव हुआ, कम इफेक्टिव, अगर आप कम अमाउंट डालते हो और प्रोटेक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, इसका मतलब वो अच्छा प्रोटेक्टर है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, प्रोटेक्टिंग पावर जो होगी वो वैल्यू के इन्वर्सली होती है कुल मिला के बात, बिल्कुल, प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिव पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी गोल्ड नंबर के, बिल्कुल, ये गोल्ड नंबर जो होता है वो लियोफिबिक लायोफोबिक सॉरी लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करवाना है, तो लायोफिलिक के लिए डिफाइन होता है, तो प्रोटेक्टिव पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, तो सर अपन बोले सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर होगा जिसकी ये कम हो प्रोटेक्टिंग पावर के लिए बात, बिल्कुल, तो सर सबसे कम आना चाहिए बी, सबसे कम आएगा सर डी का, यदि उल्टा करके देखते हैं इनवर्स करके, बिल्कुल, सबसे कम आया डी का, तो सर ये और ये हो सकता है अपना, फिर आएगा सी, बिल्कुल, तो ये रॉन्ग हो गया सर, ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा ए, ए और बी सबसे आगे रहेगा, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट बन जाएगा, मतलब ये अपन को यदि गोल्ड नंबर दे रखे तो प्रोटेक्टिंग पावर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल, चले सर आगे, बिल्कुल सर चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है फॉर द ग्राफ बिलो सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर. ये वही वाला क्वेश्चन आ गया सर, मैंने कहा था प्रेशर यहाँ जाने के बाद देखो आप सैचुरेशन आ गया, ये उसके बाद देखो कांस्टेंट होती जा रही लाइन. बिल्कुल. अब अपन को मालूम है कि ये एडजॉर्प्शन है, तो एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट जो है वो कम होगा. अभी मैंने बोला था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्स बाई एम जो है वो कम होता जाएगा. अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे x by m सबसे ज्यादा आ रहा है. अगर x by m ज्यादा आएगा तो इसका मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्स चल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण. तो इसका मतलब टेम्परेचर T3 सबसे कम होना चाहिए. तो T3 सबसे कम होगा, T2 फिर और T1 सबसे ज्यादा हो जाएगा. तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए. बिल्कुल सर. चले सर आगे. बिल्कुल चले सर. नेक्स्ट बोल रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. ये पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी. जैसे कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब ये होता है कि कोलाइड पार्टिकल का सेटलिंग डाउन करना, या फिर ऐसा बोलो कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना. मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको अपन धीरे-धीरे शेक करते करते प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट में. ये पेप्टाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है. ये सेकंड नंबर कोगुलेशन करने का जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि किसी भी कोलाइड के अंदर जो है वो आप एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जैसे अगर कोलाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करके प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा. इसी को बोलते हैं अपन कोगुलेशन. तो इसका मतलब ये तो चार्ज से रिलेटेड है फर्स्ट वाला. तो अपन से ये पूछा है कौन सा कोलाइड कणों के आवेश पर निर्भर करता है, तो पहला करेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस एज ए इस टाइप से चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं प्लस और माइनस. ये इस टाइप से बिल्कुल, ये प्लस इलेक्ट्रोड है ये माइनस. अब अगर कोलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये किस मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कर देगा. तो ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं कि कोलाइड के ऊपर चार्ज कौन सा है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हो गया वो तो चार्ज से रिलेटेड ही, वो भी चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है सर. बिल्कुल. तो ए और बी दोनों करेक्ट हो गए सर अपने पास. हाँ. अब नेक्स्ट अपन बात कर ले सर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वैद्युत परासरण की बात कर रहा है सर. वैद्युत परासरण भी सर डिपेंड करना चाहिए क्योंकि सर चार्ज के लिए होगा, चार्ज के लिए. हाँ, ओनली फॉर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं मींस डिस्पर्जन मीडियम जो है वो करेगा सॉल्यूशन की साइड. अपन जो बात करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम पे भी अपोजिट चार्ज होता है. तो यहाँ भी चार्ज की तो सर कहानी आ चार्ज आ गई. तो सर ए बी और सी तो करेक्ट है. टिंडल इफेक्ट जो है वो लाइट की स्कैटरिंग से रिलेटेड है, मींस मैकेनिकल प्रॉपर्टी. वहां पे चार्ज का सर कोई लेना देना नहीं, नहीं है. तो सर डी रॉन्ग हो जाना चाहिए, बाकी ए बी और सी करेक्ट है, तीनों आ जाएंगे सर. तो सर ये थर्ड ऑप्शन अपने पास सर करेक्ट हो जाएगा. यस सर. चलें सर आगे. हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गोल्ड सोल इज, तो गोल्ड सोल के लिए पूछ रहा है सर अपन को. ये पूछा है गोल्ड सोल किससे रिलेटेड है या गोल्ड सोल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी राइट है. एक्चुअली में गोल्ड सोल जो होता है सर, गोल्ड सोल की अगर अपन बात करें तो गोल्ड सोल जो होता है वो फर्स्ट ऑफ थिंग अगर चार्ज बेसिस पे बात करें तो चार्ज बेसिस पे कोलाइड दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव कोलाइड का एग्जाम्पल जो है एक तो मेटल के सोल. बिल्कुल, मेटल के. तो मेटल के सोल है तो गोल्ड भी मेटल का सोल है, ठीक है. सेकेंड मेटल सल्फाइड का सोल भी इसी में आता है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का हो गया. बिल्कुल. पॉजिटिव की बात करें तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड इसके अंदर आएंगे सारे, जैसे एल्यूमिना हो गया. बिल्कुल. सेकंड नंबर अगर अपन बात करें हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये इसके अंदर आएंगे. इसके अंदर ब्लड आता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन आएगा पॉजिटिव वाले में. प्रोटीन दोनों साइड में आता है लेकिन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. प्रोटीन अगर एसिडिक मीडियम में रखते हो तो इधर आएगा, और बेसिक मीडियम में रखते हो तो इधर आएगा. एक और एग्जांपल है सर, पांच ही एग्जांपल है. इधर जो आएगा वो आएगा बेसिक डाई और इधर आएगा एसिडिक डाई. ये तो पहला तो अपन ये चेक कर लो कि अगर चार्ज के बेसिस पे बात कर रहा है तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, तो ये तो राइट है. बिल्कुल, पहली बात. फिर अपन बात करें सर की सेकेंड नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है कोलाइड का वो ये होता है कि नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज वो रिलेटेड है. सेकेंड नंबर जो होता है वो ये होता है कि वाटर के साथ, या ऐसा बोलो कि डिस्पर्जन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में कोई अट्रैक्शन है या नहीं है, इंट्रैक्शन है या नहीं. तो उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है
लियोफिलिक और एक होता है लियोफोबिक और एक होता है फोबिक, द्रव स्नेही और द्रव विरागी जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके अंदर जो होता है वो डिस्पर्जन, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम में जो होता है वो रिपल्शन होता, रिपल्शन है, होता और यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो जनरली रहेंगे लायोफोबिक के अंदर वो रहने चाहिए सारे ऐसा बोलते इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होने चाहिए जिनमें रिपल्शन की नेचर है। बिल्कुल, और इधर जो रहते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के, जैसे जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे लायोफिलिक होते हैं, लियोफिलिक होते हैं। और इनऑर्गेनिक नेचर का कोई मेटल का सल्फाइड हो गया या मेटल हो गया, तो ये गोल्ड जो है वो इनऑर्गेनिक नेचर का है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो लायोफोबिक होगा, लियोफोबिक होगा, बी भी होगा। अब सर बारी आई मैक्रो और मल्टीमोलिकुलर कोलाइड की। मैक्रो का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, कोलाइड से भी बड़ा है, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद जो है वो क्या बनाता है, कोलाइड। लेकिन गोल्ड पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता, छोटा है, होता है, ये तो एसोसिएट होता है, एसोसिएट होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, कोलाइड का। इसके मल्टीमोलिकुलर कोलाइड इसका आंसर होना चाहिए। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड के दो एग्जांपल है, एक तो हो गया गोल्ड और एक होता है सल्फर, S8 फॉर्म में आके जो है वो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग बी सी और डी अपने करेक्ट आंसर होगा। तो सर इसका अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यहीं से अपन ने इसको पूरा लियोफिलिक लियोफिलिक ये भी समझ लिया। सही है सर, चलें सर आगे। नेक्स्ट, इन KI सॉल्यूशन इफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इन एक्सेस इज एडेड then positively charge of sol of AgI is formed due to adsorption of, तो सर आपको ये बोला है कि सर AgNO3 excess में add करना है, ठीक है, तो जैसे KI था, इसमें आपने AgNO3 को excess में रखा, इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बिल्कुल, ये हमेशा बचा हुआ रहेगा। जब ये हुआ तो AgI का precipitate बन गया plus KNO3 बच गया। अब ये condition है, ये aqueous solution है, ठीक है, ये खत्म हो गया, तो अब ये नहीं है, अब ये AgI की प्रेसिपिटेट बन गई, ये AgI की प्रेसिपिटेट है। ये AgI का जो प्रेसिपिटेट होता है ये क्या करता है, एक किसी चार्ज को जो है वो अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करता है, लेकिन एड्सॉर्ब करने का एक रूल है इसके लिए, ये प्रेफरेंशियली जो है वो सॉल्यूशन में जो है वो सेम चार्ज को क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। अब AgI है तो इसके अंदर चार्ज कौन सा बना, Ag प्लस और I-. तो इसको ये पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि Ag प्लस या तो Ag प्लस को एड्सॉर्ब करेगा या I माइनस को एड्सॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे चेक करो, AgNO3 में Ag प्लस है, नाइट्रेट है, KNO3 में K प्लस है और नाइट्रेट है। अब चेक करो AgI जो है वो किसका एड्सॉर्प्शन इजीली कर पाएगा, Ag प्लस का करेगा, तो ये Ag प्लस का करेगा अपनी सरफेस के ऊपर जैसे ही एड्सॉर्प्शन, तो इसके ऊपर देखो सर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड बन जाएगा। तो अपन से यही पूछा है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन किसके एड्सॉर्प्शन से हुआ, तो Ag प्लस का एड्सॉर्प्शन किया इसने, सेकंड आंसर आ जाएगा। चलें सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है सर, ये आई थिंक देखो फ्रेंडलिच कर्व से रिलेटेड बात कर रहा है, तो सर अपन इसको यदि बात कर ले तो अपन को ये पता है फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो XM होता है, XM इज इक्वल टू KP टू द पावर 1/N होता है। सर लॉग से रिलेटेड ग्राफ की बात करें तो दोनों साइड लॉग लेने, तो सर लॉग मैं ले लूं तो लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग एम इनटू एन, प्रॉपर्टी लगा लूं तो सर लॉग के प्लस 1/N लॉग पी, प्रॉपर्टी से आगे लिया। सर यदि मैं इसको एक्स मान लूं और इस पूरे को मैं यदि वाई मान लूं तो सर ये ग्राफ बन गया वाई इज इक्वल टू mx प्लस c का। बिल्कुल, तो सर यहां से जो स्लोप आएगा अपने पास tan थीटा 1/N आएगा, तो जो स्लोप आया tan थीटा जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/N के, और इंटरसेप्शन की जो बात करूं c वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा यहां पे log k। तो सर आई थिंक इसी से रिलेटेड tan थीटा 1/N होना चाहिए, oa log k होना चाहिए, तो थर्ड आंसर करेक्ट। सर इसमें ये भी ध्यान रखना है ऑर्डर जो है, क्योंकि यदि ऑर्डर को अपन ने उल्टा सीधा किया तो अपना ये गलत हो सकता है। चलें सर आगे। चले, तो इसका सर अपने पास आ गया tan थीटा 1/N और वो log k। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना इसका आज, द गैस दैट इज एड्सॉर्ब्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑन चारकोल इज, तो सर लार्जर एक्सटेंट के लिए बात करिए कि कौन सी गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, जिसका क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा होगा या फिर जिसका वंडरवॉल पैरामीटर ए ज्यादा होगा, जिसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, जैसा अभी अपन ने बात की थी। तो इसमें तो NH3 गैस का जो है वो लिक्विफिकेशन जो होगा वो सबसे आसानी से ज्यादा होगा, तो सर यही गैस सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, तो सर इसका अपने पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आज अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और अपने सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर को डिस्कस किया क्वेश्चंस के थ्रू। बिल्कुल,
तो आज फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर 18th में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, इतना ही।